वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर एट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आपका फिफ्टी परसेंट सिलेबस हो गया सो कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल सो लेट्स वी स्टार्ट सेंट्रल बैंक एक इम्पॉर्टेंस प्ले इम्पॉर्टेंस प्ले ऑक्यूपाई करता है एंड बैंकिंग सिस्टम में हर एक कंट्री में जो एपेक्स है बैंक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकनॉमी की उसको मेंटेन करना जो हमारी अंडर डेवलप इकनॉमिक्स है उनकी ग्रोथ के लिए उनकी उन्हें नोट इशू करवाने के लिए सारे बैंक और सरव लग जाते हैं सारी गवर्नमेंट लग जाती है जो भी क्रेडिट कंट्रोल होता है वो हर एक कंट्री में पर्सन होता है इन इंडिया आर इन इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम तो ये सारे सेंट्रल बैंक है जो उनके नोट इशू में हेल्प करते हैं आपको पता ही होगा सेंट्रल बैंक हर एक बैंक में सेटअप किया गया है अकॉर्डिंग टू कैंट सेंट्रल बैंक में बी डिफाइन एज एन इंस्टीट्यूशन विच इज चार्ज विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वेलफेयर वेलफेयर ठीक है सो जो हमारी इंडियन करेंसी फाइनेंस है वो हमारे हिल्टन यंग कमिश्नर रिकमेंड ने करी थी फॉर्मेशन जब हमारे सेंट्रल बैंक का 1926 में हुआ था उन्होंने सेंट्रल बैंक को करेंसी का कंट्रोल दिया था गवर्नमेंट के लिए आरबीआई हमारा 1934 में पास आउट हुआ था और एस्टेब्लिश वो फर्स्ट अप्रैल 1935 में हुआ था बहुत सारे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस फंक्शंस परफॉर्म करे गए थे उसको मेज़र करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को मेज़रअप करने के लिए और नेशनलाइज हमारा 1949 में हो गया था इन्होंने पूरा दिया हुआ है देखिए नीचे 1935 में हमारा आर का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट अप्रैल 1932 में 1949 में उसको नेशनलिटी मिली थी नाइनटीन में डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी सेटअप किया गया था साथ ही साथ नाइनटीन में आई मतलब इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को भी सेटअप किया

सपोर्ट स्टाफ ठीक है इन्होंने यहां पे क्या किया हुआ है इस पूरे में इन्होंने कहा हुआ है कि आरबीआई के चार नेटवर्क ऑफिसेज ट्वेंटी सिक्स ब्रांचेस हैं और जो हमारे इसको मैं पर पूरा रीड कर देती हूँ आपको समझ आएगा जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें आरबीआई का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो चेयरमैन है वो गवर्नमेंट आरबीआई है उसके बाद उसमें ट्वेंटी मेंबर्स हैं उसके बाद चार डिप्टी कमिश्नर करते हैं चार डायरेक्टर नॉमिनेट कर जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो हर एक ईच लोकल फ्रॉम लोकल ब्रांच से होता है और टू गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं जो नोटि नॉमिनेटेड कर जाते हैं गवर्नमेंट से फोर लोकल ब्रॉड आई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो सारे अपनी अपनी कंट्री को टेक करते हैं जो हमारे लोकल बोर्ड हैं वो न्यू दिल्ली चेन्नई कोलकाता एंड मुंबई में आ, लोकेटेड हैं उसके बाद पांच लोकल लोकल बोर्ड्स के अकॉन्ट करे जाते हैं सेंट्रल के और फिर उसके बाद क्वार्टर हमारा मुंबई में आरबीआई का आरबीआई के चार ऑफिसर हैं ट्वेंटी सिक्स ब्रांचेस हैं जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं फोर मेंटोर हैं जो हमारे मुंबई कोलकाता दिल्ली एंड चेन्नई में उनको हम ऑफिसर्स बोलते हैं और जो हमारे सिटीज़ और ब्रांचेस में लोकेटेड हैं उसके बाद चार मेंबर नॉमिनेट करे जाते हैं और गवर्नमेंट आर को अपॉइंट करता है गवर्नमेंट के थ्रू सिक्स छटलीस्ट छः मीटिंग होती है एक साल में और एटलीस्ट तीन एक मीटिंग होती है थ्री मंथ्स में मतलब क्वार्टरली की जाती है जो लोकल ब्रांड है सुपरवाइजर है वो सारे गवर्नमेंट्स के आरबीआई के अंडर आते हैं ठीक है तो ये सारा आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट था हमारे आरबीआई का उसके बाद है फंक्शंस मॉनिटरी पॉलिसी एंड रिसर्च में ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं रेगुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट में ये सारे uh, डिपार्टमेंट्स आते हैं सुपरविजन में और फाइनेंशियल uh, इंक्लूजन में फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स में ठीक है फंक्शन ऑफ आर बी क्या क्या होते हैं आर के तीन प्रकार के फंक्शन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं बैंकिंग सिस्टम्स को नोट को ट्रेडिशनल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी सबसे पहले हमारा ट्रेडिशनल फंक्शंस देखिए क्या हैं इशू ऑफ पेपर करेंसी सेंट्रल बैंक के फंक्शन है सबसे पहले जो ये है जो हमारे सेंट्रल बैंक है सबसे पहले वो इशू कर नोट को आपको इशू कराते लाइक पाँच दस बीस पचास सौ दो सौ पाँच सौ दो हज़ार अब ये वाले चलने लगे हैं ठीक है तो सारे वही मेंटेन करती है सारा कॉन्फिडेंस करेंसी का मिनिमाइज़ करती है जो भी आता है हमारे आर करती है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट क्रेडिंग की क्रेडिट के रेगुलेशन पे क्रेडिट पॉलिसी चलाई जाती है सेंट्रल बैंक को क्रेडिट कंट्रोल होता है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एडॉप्ट करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बैंकिंग रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन उनको भी चेंज करा जाता है और अकॉर्डिंग टू आर सारे लोन पॉलिसीज इंटरेस्ट पॉलिसीज़ को कंट्रोल किया जाता है बैंकर बैंक जो हमारा बैंकर बैंक है वो आर के थ्रू ही चलता है आ, 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 रिजर्व बैंक उसे गाइड करती है सारे रूल्स और रेगुलेशन देती है और लास्ट रिजोर्ट करती है अगर कोई भी हमें लोकल गिव्स लोन देने हो तो वो एमरजेंसी के टाइम पे ही दे सकता है बट हमारे पास पूरा कंट्रोल रहता है उनका उसके बाद है बैंकर ऑफ़ द गवर्नमेंट बैंकर ऑफ़ द गवर्नमेंट कौन कौन है हमारा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है आर जो सारा कैश बैलेंस से संभाल के रखती है सारी एडवाइस देती है पब्लिक को लोन देती है सारी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करती है फिर ट्रेजरी बिल्स को सेल करते ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और फिर बैंक्स लोन लेते हैं गवर्नमेंट्स को हम कहते हैं वे मीन्स एडवांसिस और नाइन्टी डेज के अंदर हमें रिटर्न करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरी सिस्टम कुछ हमारे आर बी आई के पास राइट right हैं उनके फॉरनर गवर्नमेंट के फंक्शन के परफॉर्म करने का साथ ही साथ जो बैंक के फंक्शन होते हैं वो ससेक्स मोनिट्री और इकोनॉमिक्स पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं और आर बी आई सारे डेप्थ मैनेजमेंट करती है पब्लिक के ठीक है रेगुलेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज फ़ॉरन एक्सचेंज का भी ध्यान रखती है हमारी आर बी आई और मेनटेन कोशिश करती है करने की हमारे एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनी रहे और आर पार्टिसिपेट करते रहे हमारे फॉरन एक्सचेंजेस में भी अदर फंक्शंस क्या है एक्सपोर्ट असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड करती है सारे इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोन रीफाइनेंस लोन्स प्रोवाइड करते ताकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सको चेंज करती है करेंसी नोट को अगर आप क्लीन uh, पॉलिसी हो या विदड्रो या चेंज कराने गुड क्वालिटी के नोट चाहिए आपको मतलब करारे करारे चाहिए तो आप उसे चेंज करा सकते हैं सारी सिक्योरिटीज़ फीचर को भी स्ट्रेंथअप करती है सारी सिक्योरिटी को प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है पब्लिकेशन ऑफ स्टडिक्स एंड अदर इन्फॉमेसन सारी पैरामीटर सर्कुलेशन क्रेडिट फाइनेंस एग्रीकल्चर आउटपुट इनपुट सारे अपनी रिपोर्ट्स और ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती है अदर uh, बैंक्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है उन्होंने सारे बैंक्स के नाम दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड और क्लियरिंग सिस्टम भी है नेट भी है एफ टी है एस सिस्टम है और नेफ्ट भी है इन सारे बेसिस आप पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी हुई है आर ने फाइनेंशियल एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है अगर किसी को नॉलेज नहीं है आर के अकॉर्डिंग या जो कॉलेज को सुने जो वुमन है जो रूरल और अर्बन है उन्हें नहीं पता तो वो डायरेक्टली उन्हें ई मेल प्रोवाइडेड कर देते ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले और उनकी लैंग्वेज में ही मिले ताकि वो ईज़िल अंडरस्टैंड कर पाए फाइनेंशियल इंक्लूजन भी है जो बैंकस को प्रमोट करता है साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम को भी प्रमोट करता है लो कॉस्ट में डिलीवरी करता है और जो लोअर ग्रुप इनकम है उन्हें भी डिसएडवांटेज नहीं फेस करना पड़ता जो भी अकाउंट्स है सारे प्रोवाइड करते सारी बैंकिंग फैसिलिटी करती है और जो भी हमारी प्रधानमंत्री योजना है उन सबको भी साथ में लेके चलते हैं हमारे विड्रॉल डिपॉजिट रेमिटीज सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना और उनका उन्हें उनके आ, चीज़ें प्रोवाइड करना ग्रीवियसिस रिडेंशियल इसमें क्या जो हमारे कस्टमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसमें ध्यान रखा जाता है तो गवर्नमेंट को हम उनके कंप्लेंट्स भी सेंड करते हैं और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन भी देते हैं और उन्हें आरबीआई ने 26 सिक्स में सेटअप uh, कर दिया था और टू में इसका नाम कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट रखते थे जो हमारे कस्टमर के ग्रीवियंसिस को साथ लेकर चलते हैं उनके कंप्लेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देती है जर्नल uh, बैंकिंग क्या इनके वो हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो बैंक है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है पर इंटरेस्ट पेड अप नहीं करती है बिल्स uh, में डीलिंग करती है जो भी बिल डिस्काउंटेड करने हो प्रोमिसरी नोट हो या हर्डल्स हो उन्हें कर लेती है पर नाइनटी डे से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने देती है लैंडिंग ऑफ मनी सारे मन, मनी के सिस्टम है उन्हें सारी सिक्योरिटीज़ और क्रेडिट दे देती है फॉरेन सिक्योरिटीज़ के साथ भी डील करती है अप टू टेन इयर्स और जो मेटल कॉस्टली है उनके साथ भी डील्स करती है जो सेल्स और परचेज होती है गोल्ड सिल्वर एज वेल एज कॉइन्स का भी जो मेटल्स के कॉइन होते हैं डील करती है बैंक जो अदर हमारी कंट्रीज़ हैं चाहे चाहे वो एम टी हैं वो भाई से चाहे आर बी आई जो सारे रिलेशन के साथ उनका बना के रखती है अब है हमारे डेवलपमेंट फंक्शन जो आए बढ़ कौन कौन से कंट्रीब्यूशन देते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सबसे फेमस्ड है हमारा नाबार्ड और आरआरबी रीजनल रेगुलेशन और नाबार्ड जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हमारी एग्रीकल्चर uh, डेवलपमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करता था कि उनकी डेवलपमेंट हो उन्हें कोई प्रॉब्लम उनकी सारी डिज़ायर को करता है कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए ये बैंक उसके बाद है इंडस्ट्रियल के लिए इंडस्ट्रियल के लिए आई एफ सी बहुत सारे अदर बैंक्स हैं जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हैं या फिर लार्ज लोअर स्केल्स के लिए हैं उन्हें लोन्स और फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनकी बिजनेस मर्चेंट है वो फाइनेंशियली कंप्लीट हो सके डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड जो हमारे एग्जिम है मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे उनके बाहर के ट्रेडिंग के लिए हेल्प करता है इंटीग्रेशन के लिए ताकि उन्हें इकनॉमी और फाइनेंस प्रोवाइड मिले उनके बाहर की लैंडिंग हो सके डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट बिल मार्केट में लाइक आर uh, सबसे पहले जो हमारे सारी बैंक्स की डीलिंग होती है उन्हें प्रमोट करता है शेड्यूली और जो 90 डेज़ के अंदर प्रोमिस नोट्स का जो शेड्यूल है वो सारा इसके अंदर फिलअप होता है रेगुलेटरी फंक्शन कौन सा है? रेगुलेशन ऑफ बैंक जो हमारे बैंक की रेगुलेशन चलती रहती है जो आर है वो रेगुलेट करती रहती है हमारे बिजनेस सिस्टम को और साथ ही साथ एक्सपेंड करती रहती है डायरेक्ट करती रहती है कि क्या सेटअप है क्या नहीं साथ ही साथ डेवलप करते रेगुलेट करती करते उनकी डायरेक्शन देती है और ये 1949 में पास हो चुका था कोऑपरेटिव बैंक भी रेगुलेट आर के थ्रू ही होते हैं कॉमर्शियल बैंक की नेशनलिटी है जो हमारा आर है और नबार्ड है वो भी प्रमोट करता है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए और जो हमारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर है वो भी हमारे काफ़ी कैटेगराइज करे जाते हैं हमारे आई ब्रैकेट आई के आर के अंडर क्रेडिट रेगुलेशन भी है क्योंकि इन्होंने क्वांटिटेटिव क्रेडिट को और क्वालिटेटिव मतलब सेलेक्टिव क्रेडिट कॉल को पूरा वो दिया जहाँ पे हमारी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी की क्रेडिट कॉन्ट्रेक्शन होती रहती है जहाँ इन्फ्लेशन आता रहता है अडॉप्ट करते रहते हैं सारी रिक्वायरमेंट मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होता रहता है क्रेडिट का तो वहाँ पे हम कंट्रोल उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद है अचीवमेंट क्या क्या है एक्टिव एंड फ्लेक्सीबल मॉनिटरी पॉलिसीज आर की कभी भी आर बी आई हैज़ बिन चेंज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट वो अपने uh, बैंकिंग uh, के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ है और उसे अडॉप्ट किया गया तो मतलब काफ़ी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम है और उसने हमेशा अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने का uh, हमेशा फ़ैसला लिया है एनकरेज टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा आर बी अडॉप्ट करता है मोनिसी पॉलिसी की कि हम सेव करें पब्लिक के लिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दे पाए डिपॉजिट दे पाए ताकि उनकी एनकरेजमेंट इंक्रीज हो जितना हम प्रमोट करेंगे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन को उतनी से ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इफेक्टिव मैनेजमेंट है गवर्नमेंट कंट्रोल का क्योंकि जो हमारे सेंट्रल बैंक है और स्टेट में वो काफ़ी एफिशिएंट है और जो भी सक्सेसफुली हमारी डेवलप मार्केट है उनमें काम कर रहे हैं और रीजनेबल कॉस्ट पर कर रहे हैं और हमारी पब्लिक डेप्थ को मतलब जो हमारी गवर्नमेंट वो सक्सेसफुली मैनेज कर पा रही है ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड रिबुलर क्रेडिट टू हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर एंड फॉरन एक्सचेंज ये चारों पॉइंट मैं एक साथ बताना चाहूंगी क्योंकि जो हमारे आर हैं उन्होंने नबार्ड आर आर बी एक्जम आई सी सी आई सी ई बी डी सी बी डी एंड फॉरन एक्सचेंज इन चारों चीजों के लिए इन चारों सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया इन्हें प्रायोरिटी दिया लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के सारे क्रेडिट क्रेडिट कंट्रोल दे इनको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे बैंक्स बनाए गए ताकि इन चारों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े अपने अपने फील्ड में क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी दी है जो निफ्ट है एस एस टी है ए टी एम है वो घर बैठे अपना मशीन के साथ काम कर सकते हैं आ, सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन और डाटा दिया है जब उन्हें टाइम पर जरूरत पड़ी है कोई भी कोई भी फेक न्यूज़ या कोई भी पॉलिसी फॉर्मोलेशन के टाइम पर हम हमें कोई प्लानिंग रिसर्च करना हो तो हमारे पास एक बेटर इंफॉर्मेशन और डाटा होता है गार्जन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हमने ये भी प्रमोट करा कि कोई अगर कोई पर्सन इंस्पायर्ड है पब्लिक से तो हम उसका गार्जियन ऐसे बैंकिंग सिस्टम कर सकते हैं और आर ने यह चीज़ प्रमोट भी करी है साथ ही साथ इंश्योरेंस क्रेडिट वाली गारंटी भी चलाई है ताकि उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस फेस ना करने पड़े अदर अचीवमेंट्स क्या है रिडर्सल है कस्टमर ग्रीवेंसिस के ई बैंकिंग सिस्टम भी है और इम्पार्ट ट्रेनिंग भी है और एकफ्टिक रूल रेगुलेशन और वेरियस सेगमेंट है हमारे आर के अंडर फेलियर्स क्या क्या है हमारे लैक ऑफ कंट्रोल ऑन अनऑर्गेनाइज बैंकर जो हमारे अनऑर्गेनाइज बैंकर है वहाँ पे हमारी कंट्रोल नहीं हो पाते लाइक शोकिज एंड महाजन जो हमारे जिनको नॉलेज नहीं है वहाँ पर इतनी नॉलेज नहीं पहुँचा पाते जिस वजह से वो लोग बैंकिंग सिस्टम की फैसिलिटी को इन्जॉय नहीं कर पाते इनसफिशेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी कई बार आर के मेजर्स इतने टेकन होते हैं कि वो बैंकिंग नेटवर्क विलेज़ में और रिमोट एरिया में डिप्राइव uh, भी ही नहीं कर पाते अंडर डेवलप बिल मार्केट हमारी जो आर इतनी डेवलप पॉपुलर नहीं कर पाती हमारी बिल मार्केट को क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड है और जो हमारे इंटरनल ट्रेड है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है एज़ पोटेंशियल टू बिल मार्केट इन्फ्लेशन में काफ़ी लेस कंट्रोल रहता है हमारे आई बी आर बी आई का क्योंकि जो हमारी क्रेडिट कॉन्ट्रेक्शन होती है मोनिट्री पॉलिसी की वजह से तो वहाँ पे हम इतना अच्छा योगदान नहीं दे पाते हमारा फेलियर इन प्रोटेक्टिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी कई बार हम अपनी इंडियन रुपये की वजह से हम एक्सटर्नल जो वैल्यू होती है मनी की उसमें हम काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर पाते हैं ग्लोबल मार्केट की वजह से जिस वजह से हमें डाउनफॉल फेस करना पड़ता है हमारी इंडियन वैल्यू की वजह वैल्यू में इनसफिशेंट अवेलेबिलिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर कई बार एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा फाइनेंस फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कई बार हमें एक दो कस्टमर्स को ऐसे ही इग्नोर करना पड़ता है और हम उनके लिए डोमिनेंटली मनी लैंडर्स हो जाते हैं तो उन्हें कई कई बार उन्हें हाई हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की जैसे तो कई बार वो हमारी फैसिलिटी को इन्जॉय करना ही चाहते हैं उनसे मुकर जाते हैं इनएडिकुएट क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हमारे स्मॉल और एंटरप्राइज वो एबल ही नहीं है बैंक क्रेडिट के लिए तो ताकि वो हमेशा इंडिजन बैंकर के ऊपर डिपे, डिपेंड रहते हैं इनसफिशियंट क्रेडिट टू सिख इंडस्ट्रियल यूनिट जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट है वो उन्हें फाइनेंशली फेल हो जाते हैं क्योंकि जो फाइनेंसिक सिख है वो प्रोसेस में वाइंड अप हो जाता है और जो हमारे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते बैंक कई बार उनका इतना कंट्रोल नहीं रहता आरबीआई का जिस वजह से हमें बेडेट्स जो हमारी नॉन एड्स उनका काफी बैड इफेक्ट पड़ता है जो हमारी मोदी जी ने स्कीम दी हुई है तो इस वजह से बैंक स्कैम भी हो सकते हैं जो है उसका इतना इफेक्टिव नहीं पड़ता इंटरेस्ट ऑफ रेट पे कई बार एक्सेसिव सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से रेट इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो जाता है और जब कई बार फेल होते तो हमारा सीजन नहीं होता तो जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स तो वाइड है ठीक है इस वजह से वो आर का कहाँ पर कमी रह जाती है नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो मेन एम उनका पब्लिक फेरेंस वेलबिंग बट कॉमर्शियल बैंक का सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट करना है सेंट्रल बैंक के पास कोई आ, कोई लिंक नहीं है कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बट कॉमर्शल पेपर कॉमर्शल बैंक के ऊपर है ठीक है जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन है बल्कि जो कमर्शियल बैंक है वो गवर्नमेंट ओन नहीं है और जो कॉमर्शियल बैंक है वो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट ओन है बट जो हमारा कॉमर्शल है वो प्राइवेट भी ओन नहीं है सेंट्रल बैंक कभी भी कम्पीट नहीं कर पाता है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक बट जो हमारा कॉम्पर्शियल है वो सारी एक दूसरे मतलब मनी लेंडर और ब्रोवर के साथ कंपीट कर पाता है जो सेंट्रल बैंक है वो मोनोपलियन नोट इशू करते हैं बट सेंट्रल बैंक नहीं करते हैं जो सेंट्रल बैंक है उनका पूरा कंट्रोल रहता है हमारे बैंकिंग सिस्टम पर पर जो हमारे कॉमर्शियल है उनका डायरेक्ट अकाउंट और सुपरविजन सेंट्रल बैंक पर रहता है जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियन uh, है फॉरन एक्सचेंज के बट जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है वो अपने बिजनेस अप्रूवल के साथ ही चलते हैं जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर है गवर्नमेंट का और सारी बैंक, बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है बट जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है वो परफॉर्म नहीं करता बल्कि वो एजेंट है हमारे सेंट्रल बैंक का जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो बैंकर है अदर कॉमर्शियल का पर जो कॉमर्शियल है वो टोटली एक डिपोजिटर है सेंट्रल बैंक का एज कैश रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है वो उसके क्रेडिट कंट्रोल भी चलते हैं और क्लियरिंग हाउस भी चलते हैं बट जो कॉमर्शियल बैंक है वो सारे फंक्शंस ख़ुद ही परफॉर्म करता है एज अ एजेंट ठीक है तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर एट आरबीआई ख़त्म होता है आपका फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा सिलेबस हो गया है आज के हिसाब से क्योंकि वो फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव आ सकता है क्योंकि आपका आज ये एट चैप्टर है सो so, होपफुली हम uh, इस वीक में इस वीक में हम अपना सिलेबस कवर अप कर लेंगे काफ़ी हद तक सो so, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना थैंक यू हैवे नाइस डे